बजट में बिहार और आंध्रा का हिस्सा ज्यादा लगने से खफा विपक्ष ने इसे सरकार समर्थन का देने का मूल्य करार दिया। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बंगाल को प्रताड़ित किया जा रहा है। सुष्मिता देव ने कहा, हमारा 1.6 लाख करोड़ रुपया केंद्र के पास बकाया है। इसी दौरान ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा सुर्खियों में नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी से ममता बनर्जी की मुलाकात दिल्ली में हो सकती है एवं इस मुलाकात के दौरान विकास से जुड़ी योजनाओं पर ममता बनर्जी एवं प्रधानमंत्री मोदी चर्चा कर सकते हैं। साथ ही साथ केंद्र से अपना बकाया पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री मांग सकती है। मोदी से क्या क्या तगादा करेंगी, इससे पहले जानते हैं कि ममता का दिल्ली आना एक बड़ी खबर कैसे बन गया। बंगाल सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार से अब भी 1.75 लाख करोड़ रुपए मिलना बाकी है, जिस पर मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं में चर्चा होने की संभावना है। साथ ही साथ 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक में भी मुख्यमंत्री शामिल हो सकती है। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इस बैठक में सभी राज्य के मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया गया है। खास बात यह है कि इस आयोजन में विपक्ष दलों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो रहे हैं। ममता बनर्जी के शामिल होने की खबर से बड़ा सवाल ये भी उठता है कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है। अगर ऐसा है तो इंडिया गठबंधन चुनाव के बाद यह बहुत ही बड़ा झटका माना जाएगा। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते बंगाल कांग्रेस के कद्दावर नेता अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात करके ममता बनर्जी की रणनीति दोनों पर डिलेट रिपोर्ट देखकर दुखड़ा सुनाया था। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते बंगाल कांग्रेस के कद्दावर नेता अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस के आलाकमान से मुलाकात कर ममता बनर्जी की रणनीतियों का रिपोर्ट दुखड़ा सुनाया था। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बंगाल में बस 2 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 1 सीट का ही स्वाद चख सकी है। खुद अधीर रंजन चौधरी बहरमपुर सीट हार गए। अधीर ने सोनिया गांधी से कहा, टीएमसी ने हराने के लिए मुस्लिम कैंडिडेट उतारा, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ, मुझे हराने को हिंसा का सहारा लिया गया, ममता का टारगेट मुझे हराना ही था। अधीर चौधरी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बस नाम ही काफ़ी है। वो बरसों से ममता सरकार से लोहा लेते आए हैं। चौधरी बंगाल की मुख्यमंत्री के उस बयान पर नाराज हो गए थे जिसमें उन्हें कहा था कि सबसे पुरानी पार्टी 40 सीटें पर सिमट गई है। इस पर ममता बनर्जी के बयान पर पलटवार करते हुए अधीर चौधरी ने कहा था कि अगर इंडिया ब्लॉक का कोई नेता ऐसा कहता है तो यह देश के लिए एवं लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा था कि इससे बेहतर आप बीजेपी को वोट दे दो। इस पर कांग्रेस का में भूचाल आ गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, बिग न्यूज़, कोलकाता।